हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चिंकोकेन के बारे में। देखेंगे चिंकोकेन क्या होता है, किस तरह से हम चिंकोकेन को सिंथेथाइज करते हैं, किस तरह से हम चिंकोकेन को बनाते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस देखने से पहले देख लेते हैं कि चिंकोकेन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो चिंकोकेन हमारा लोकल एनास्थेटिक कैटेगरी के अमाइड क्लास का ड्रग है। जैसे हमने लोकल एनास्थेटिक्स में देखा था एस्टर कंटेनिंग ड्रग, अमाइड कंटेनिंग ड्रग, तो ये लोकल एनास्थेटिक्स के अमाइड जो क्लास है इसका ड्रग है। अगर इसका यूज देखते हैं तो ये चिंकोकेन जो होता है सरफेस एनास्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है, सरफेस एनास्थीसिया के रूप में यूज किया जाता है। अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, एमओए की बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो ये जो होता है चिंकोकेन ये रिवर्सिबली बाइंड कर देता है सोडियम चैनल को। ये जो हमारा सोडियम चैनल को ये रिवर्स और इनएक्टिवेट करता है, सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करता है। जब ये न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन में, न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन में ये सोडियम चैनल को इनिबिएट करता है, RONAL, न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सोडियम चैनल को इनएक्टिवेट करता है, जिसके कारण डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता है सेल मेम्ब्रेन का। जब डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता है सेल मेम्ब्रेन का, तो इनिशिएशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व्स इम्पिट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और जिस ब्लॉक होने के कारण जो लिमिट हो जाता है एक्साइटेशन ऑफ नर्व्स एंडिंग, जो नर्व्स की एक्साइटेशन होती है वो लिमिट हो जाती है। इस तरह से ये चिंकोकेन अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करता है। अब देखते हैं चिंकोकेन को किस तरह से सिंथेथाइज करते हैं। चिंकोकेन जिसे डिबोकेन भी कहा जाता है, इसे हम डिबोकेन भी कह सकते हैं, कहते हैं डिबोकेन। चिंकोकेन या डिबोकेन को सिंथेसिस करने से ये हम क्यूनोलिन 4-कार्बोजिलिक एसिड से हम सिंथेथाइज कर सकते हैं। क्यूनोलिन 4-कार्बोजिलिक एसिड, ये हमारे क्यूनोलिन ग्रुप फोर्थ पोजीशन पे कार्बोजिलिक एसिड अटैच है। जब इसमें हम ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ऑक्सीडेटिव फ्यूजन जब किया जाता है, ऑक्सीडेटिव फ्यूजन विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब क्यूनोलिन 4-कार्बोजिलिक एसिड में हम ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करते हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 2-हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन 4-कार्बोजिलिक एसिड हमें मिलता है। सेकेंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच हो जाता है। जब हम 2-हाइड्रोक्सी क्यूनोलिन 4-कार्बोजिलिक एसिड को SOCl2PCl5 के साथ हम रिएक्शन कराते हैं, तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और हमें चिंकोकेन मिलता है। जैसे कि पहला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है, इसमें जाके OH की जगह Cl अटैच हो जाता है, Cl, यहाँ पे OH की जगह Cl और यहाँ पे भी OH की जगह Cl जाके अटैच हो जाता है। फ्लेक्स बना है, इसको जब हम इस रिएजेंट के साथ जब रिएक्शन कराते हैं H2N CH2 CH2N CH2 CH3 की ट्वाइस, जब इसके साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो HCl रिप्लेस हो जाता है, एक H यहाँ से और एक Cl, HCl बाहर निकल जाता है और हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स मिलता है। डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, यहाँ से H एक खत्म हो गया, HCl बाहर निकल गया और NH CH2 CH2 N और ये दो इथाइलिन ग्रुप अटैच हो गया यहाँ पे। फिर जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं, फिर जब हम इस कॉम्प्लेक्स को रिएक्शन कराते हैं NaOCH2CH2CH2CH3 के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं, तो NaCl के साथ NaCl बन के बाहर निकल जाता है और ये बाकी जो ग्रुप है ये अटैच हो जाते हैं यहाँ पे, O CH2 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 CH3, और हमें चिंकोकेन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।